जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही हैं। इसी बीच जिला अस्पताल में दलालों के सक्रिय होने की जानकारी भी सामने आई है। बताया गया है कि जिला अस्पताल के चिकित्सकों के चैम्बर में दलाल बैठे रहते हैं, जो चिकित्सकों के कहने पर मरीजों को अस्पताल के बाहर से दवाएं दिलाते हैं। इसके एवज में मेडिकल संचालकों से कमीशन लिए जाने की संभावना है। इस मामले को CMHO ने गंभीर बताया है और तत्काल जांच कराने की बात कही है। जिला अस्पताल में इलाज कराने आए ग्राम तोरना निवासी मूलचंद्र कुशवाहा ने बताया कि डॉक्टर ने उसे एक पर्चे पर दवा लिखकर दी थी और व्यक्ति उसे अपने साथ लेकर अस्पताल के बाहर मौजूद एक मेडिकल पर ले गया, जहां से उसने पैसे देकर दवा खरीदी, जबकि नियमानुसार दवाएं उसे जिला अस्पताल से ही मिलना चाहिए थी। मूलचंद्र ने बताया है कि ज्यादातर चिकित्सक जो दवाएं लिखकर देते हैं वे जिला अस्पताल में नहीं मिलती और मजबूरन दवाएं मेडिकलों से खरीदना पड़ती हैं। क्या नाम है आपका? मूलचंद कुशवाहा। कहां से आए हैं? रमन ओ टोन्ना से। कहां दिखवाने आए हैं आज? सरकारी अस्पताल में। दवा कहां से लिखी थी? बाहर से। बाहर से लिखी दवा? हां। कौन से मेडिकल से लेकर आए हैं आप? बालाजी। बालाजी मेडिकल। कितनी बार आप पहले दिखा गए हैं? दूसरी बार आए हैं। बार भी दवा बाहर से लिखी थी? हां, दोबारा भी लिखी थी। क्या कहते हैं वो बाहर से ले जाकर? हाँ, बाहर से। यहाँ पर्चा देते अंदर के, वो पैसे ही रख लेते, देते नहीं है। बाहर से ले। हाँ। वही एक अन्य महिला अनीता कुशवाहा ने बताया कि डॉक्टर ने उसे दवाएं लिखकर दी और कहा कि यह दवाएं जिला अस्पताल में नहीं मिलेंगी, बाहर मेडिकल से खरीदना होगा। इसी तरह छतरपुर निवासी राम कुंवर ने बताया कि वह मजदूरी कर अपना परिवार चला रही है। इलाज के लिए जिला अस्पताल आई थी, जहां डॉक्टर ने उसे दवा लिखकर दी और मेडिकल से खरीदने को कहा। उसने 225 रुपए की दवाएं खरीदी हैं। वही कुछ अन्य मरीजों ने भी इसी तरह के आरोप जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर लगाए हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार नाम। कहाँ दिखवाने आई थी आप? तो आप दवाई कहाँ की लिखी है उन्हें? कहाँ की दवाई लिखी है उन्होंने? बाहर की मेडिकल। अब हम कब आगे काले? कितने की दवाई आई आपकी? 225 की आई। तो जब आपके पास पैसे नहीं थे तो फिर कैसी दवाई ली आपने? अब जी नहीं, साथ में तीन से लाए उधार लिए। क्या करती हैं आप? कहाँ कराई मंजूरी कराई कहाँ है? मजदूरी में कितने पैसे मिल जाते हैं? 200 रुपये। अब जब दवाई आ गई तो फिर कैसे घर का खर्चा चलाएंगे? अब हम कब जेनी दवाई तो खा रही नहीं। अच्छा जाने से दवाई जाने। अनीता कुशवाहा। आप आज कहाँ लिखवाने आई हैं? और सरकारी अस्पताल। दवा उन्होंने बाहर से लिख के क्या? हाँ, वो कह रहे थे यहाँ पर नहीं, बाहर से जाओ, बाहर से। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे अंदर दवा नहीं मिलती? नहीं, पर्चा रख लेते हैं, कहते हैं बाहर से दवा ले पे। सूत्रों की माने तो ज्यादातर चिकित्सकों के चैम्बर में एक दलाल बैठा होता है, जो चिकित्सकों के इशारों पर मरीजों को जिला अस्पताल के बाहर मौजूद मेडिकल स्टोर से दवाएं दिलाने के लिए ले जाता है। इसके एवज में मेडिकल संचालक दलालों और चिकित्सकों को कमीशन देते हैं। बताया गया है कि जिला अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में दलाल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। आपके द्वारा ये जानकारी भी संज्ञान मिली जा रही है। ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर है। अगर ऐसा कुछ हो रहा तो ये जांच का विषय है और मैं तत्काल अभी जांच कराता हूँ, सविस्तार से बात कराता हूँ। और ऐसी जो ये चीज़ हो रही है तो बिल्कुल ही निंदनीय है और ये इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे हम।